शानदार सा लग रहा है ना। इस टाइम मैं हूँ ग्रीन तारा होम स्टे टाबो टाबो में हूँ इस टाइम। ये हमने होम स्टे यहाँ पर बुक कराया है। अंदर एंट्री करते ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स। चलिए दिखाती हूँ, अंदर भी बहुत सुंदर है। इन्होंने एक सीटिंग का यहाँ पर दे रखा है, आप कोई भी आप यहाँ बैठ सकते हैं। चलिए मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। देखिए यहाँ पर तीन रूम है, एक ये रूम है, एक अभी मैं अपना दिखाती हूँ आपको, एक ये रूम है और एक इन्होंने यहाँ पर लोबी दे रखी है। यहाँ पर आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और मेन चारों तरफ का जो इन्होंने डेकोरेट कर रखा है, क्योंकि आप उसमें हो ताबो में, तो बुद्धिज़्म तो आपको पता है इस टाइम यहाँ पर आपको हर जगह मिलेगा। तो आप खुद ही देखिए, टेबल भी बड़ी अच्छी सी डेकोरेट कर रखी है स्टोन्स एंड ऑल। और ये लॉर्ड बुद्धा, मतलब आज जैसे अंदर आए हैं बाहर अपने शूज उतारे, बड़ी अच्छी सी वही वाली वाइब्स आई मेरे को, बड़ा अच्छा लगता है। आप चप्पल और शूज अपने बाहर उतारो, फिर आप अच्छे से अंदर घूमो। चलिए मैं आपको ना अपना रूम दिखाती हूँ। ये देखिए, वाह, ये एक्चुअली वही है सारे इनके मंत्र और उनके चक्रास। चक्रास को सिंबल कर रखा है, कौन से चक्र में कौन सा ये रहता है पूरा। ये देखिए पहले तो गेट देखिए आप, चलिए फिर ये देखिए किंग साइज बेड। ये हमारा गोलू बैठ गया है बेड पर। देखिए अच्छा साफ क्लीन, नीट एंड क्लीन सब कुछ दे रखा है, अच्छी ब्लैंकेट है ये देखिए। एक्चुअली पिछले वाले जब होम स्टे में थे वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो सिंगल दे रहे थे हमें ब्लैंकेट, तो डॉक्टर राजन को सिंगल वाले में सोने में काफ़ी दिक्कत आई थी, रात को काफ़ी टाइम डिस्टर्ब हुई। लेकिन यहाँ डबल बेड की अच्छे से दे रखी है, पॉइंट्स काफ़ी हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और देखिए आप, ये देखिए, चलिए ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि टेबल एंड चेयर है, बट ये कप्स देखिए कितने प्यारे हैं। मेरे को अगर यहाँ कहीं मिलेंगे मैं खरीद कर लेके जाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं चाय लवर हूँ, और सुबह चाय तो नहीं पीऊंगी बट यहाँ फोटोग्राफी जरूर करूंगी इस कप के साथ। इधर इन्होंने किए मिरर दे रखा है, और पानी और ग्लासेस, कबर्ड भी है। चलिए वॉशरूम भी दिखा देती हूँ आपको, और इधर से व्यू सुबह ही पता लगेगा क्या व्यू है। काफी अच्छा बड़ा वॉशरूम है इनका, इधर भी विंडो है बट इधर तो क्लोज ही रखना पड़ेगा। बाहर गैलरी में एग्जॉस्ट लगा रखा है इन्होंने, गीजर फैसिलिटी है और काफी स्पेस है इसमें। तो ये देखिए कि आप होटल में जाते हैं, होटल के रूम में भी यही मिलता है, लेकिन यहाँ एक्चुअली हम पहली बार ही होम स्टेज में रुक रहे हैं इस बार हर जगह, ताकि हमें थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस मिले। तो बहुत अच्छे होम स्टेज बन गए, अब वो होम स्टेज बिल्कुल नहीं रहे हैं कि पहले होता था एक नॉर्मल सा, बिल्कुल खुद ही देख लीजिए आप। और मैंने आपको पहले इससे पहले वहाँ का दिखाया था रिकोंगपियोगा, तो मुझे तो ऐसे रूम बहुत पसंद है और रीजनेबल प्राइस पे, आपको क्या चाहिए। तो देखिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी आप लोग यहाँ आए, ग्रीन तारा होमस्टे में रहें। और नीचे भी इनका मेन बैठने का है, और जो फीमेल है यहाँ की ओनर है वो इतनी प्यारी है, आप पहली बार उन्हें देखते ही ना एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आती है, इतने प्यार से मुस्कुरा के आपका वेलकम हो रहा है, आधा दिल तो वहीं खुश हो जाता है। चलिए तो फिर अभी थोड़ा सा चेंज वेंज करते हैं, फिर नीचे चलेंगे डाइनिंग रूम में, वहाँ भी आपको दिखाऊंगी। मुझे लग रहा है वहाँ भी बहुत ही एक्सीलेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही कैसा लगा? वो नहीं बोल पाया, चलिए उसकी जगह मैं ही बोल देती हूँ। वो कैमरा जब ऑफ होता है बहुत बोलता है, हमें बोलना पड़ता है उसे चुप हो जा साथ ही चुप हो जा, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो चुप हो जाता है। चलिए जी डिनर करते हैं। ये देखिए वाह वाह कितनी गरबाई आ रही है यहाँ पर।
सात्विक, हाँ बैठ हो गए आप। और ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर राजन भी भूल गए, चलो अभी आएंगे जब उनसे पूछते हैं, मुझे तो देखिए याद है ही नहीं, इसलिए मैं क्यों मैं बोलूं कि मैं भी भूल गई। अभी पूछते हैं फिर उसके बाद। कहीं भी बैठ जाओ। चलिए जी खाना खाते हैं। देखिए यहाँ पर ये कैप्स बड़ी अच्छी अच्छी मिल गई, जो मैं वहाँ नागों में देख रही थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी, बट ये पसंद आ रही है, तो ये एक पक्का यहाँ से लेंगे। चलिए फिलहाल अभी खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं। और देखिए जस्ट 150 रुपीज में। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला आपने, क्या बताया इसको, क्या बोलते हैं, थपका थपका। ये देखिए कितने प्यार से हमें खिला रहे हैं और वो बटर लगा रहे हैं और थपका, राइट, तंदूर थपका। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, रूम टेम्परेचर मैनेज करने के लिए। हाँ ये तो चलिए फिर अब खाते हैं खाना। ये देखिए देखिए ये दाल है, राइस है, सब्जी है, रोटी है। हाँ हमें गरम गरम ले लेते हैं, हम कर लेते हैं अब। और ये देखिए तंदूर पे रोटी गरम करके कर रहे हैं, और अचार है उधर उसमें। ओके चलिए तो फिर करते हैं डिनर, इस पे गरम गरम चपाती करके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए आज सुबह उठी तो क्या मिला, सोचा ही नहीं था ये भी हो जाएगा। मुझे ये तो था कि स्नोफॉल प्रेडिक्शन है, लेकिन टाबो में वो टाबो में इतनी हो जाएगी। मतलब ये था कि स्नोफॉल इस टाइम में, क्योंकि दिमाग ये था ना कि इस टाइम तो वेदर बढ़ चुका है और स्नोफॉल नहीं होगी, बट वेदर दिखा रहा था हो सकता है हाइट वाइट पे हो जाएगी। लेकिन देखिए क्या नजारे है, वाह वाह वाह। इस टाइम मैं हूँ टाबो में और ये मेरी जिमनी फिर से स्नो में हो गई। आप देखिए सारा वाइट वाइट, तो ऊपर काजा क्या मिलेगा, ओ माय गॉड। क्या बात है, क्या नजारे हैं, मजे आ गए। स्नोफॉल मुझे हमेशा से पसंद है और उसमें घूमना। लेकिन 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 पूरी रात से यहाँ पर लाइट नहीं है, और जो पानी क्या नाम है हमें मिल रहा था आज यहाँ पर पानी था, और काजा में भी जहाँ हमने बात करी थी वो बोल रहे थे कि आज से पानी आपको मिल जाएगा, वो समझो नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड। ये देखिए यहाँ मैं इस होम स्टे में रुकी हुई हूँ, ग्रीन तारा होम स्टे, फिलहाल तो आप ये देखिए। चलिए अभी आगे तक घूम कर आते हैं, खूब मजे आ रहे हैं, वाह वाह वाह। इतनी सारी स्नो हो रही है, मजे आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी अंदर जा रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ टापो में थोड़ा वॉक करके आते हैं, स्नो शूज डाल के आती हूँ और पैंट भी दूसरी डाल के आती हूँ ना, ये गीली हो जाएगी, ये तो वाटर प्रूफ है। और एक चीज और करनी है, क्योंकि अब पानी जम जाएगा टैप्स में, तो अंदर जाके बाल्टियों में पानी भर के आती हूँ, और काजा में पानी बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ओह गॉड, क्योंकि हमने मैंने बताया ना, कल हमने बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि जी आज हम पानी चालू कर देंगे, वो दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि पहली बार ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ पानी जमा हुआ होगा, बकेट से पानी लेके आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आ रहा था, यहाँ भी दो चार दिन पहले ही आया है, बट अब हो रही है तो जम जाएगा, तो इससे पहले पानी खत्म हो मैं जाकर पानी भरती हूँ। और ये देखिए मैंने अपनी चिमनी पर लगा दी है अपने हाथ, कहते हैं ना लकी होते हैं ना, छोटे बच्चे के लगाते हैं। देखिए मेरे लिए मेरी चिमनी बहुत लकी है, जो भी मैंने उसके साथ अभी तक प्लान बनाया है वो 100 नहीं 200% सक्सेसफुल हुए हैं, तो मेरी चिमनी मेरे लिए है बहुत लकी। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज इसके साथ मैं कर रही हूँ जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। मनाली में आप लोगों ने देखा कितना मैंने इसने मेरा साथ दिया और कितना इसने मुझे पॉपुलर करा, और यहाँ अभी मैं आई थी विंटर स्पीति के लिए चिमनी के साथ, और ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और ये चीज़
फिर से हमारे साथ होगी तो सोचिए मेरी जीवनी मेरे लिए कितनी लकी है कि जो चीज 100% मतलब 90 आप बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं कि ये मौसम आप सोच सकते हैं इस टाइम क्या चल रहा है। मार्च का एंड, आज कितनी डेट है बेटा, अप्रैल तो नहीं होगी, मैं तो यही कई दिन से एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है क्या डेट है क्या नहीं है। फिर भी चलिए ये टाइम इसमें स्नोफॉल नहीं होती है और यहाँ पर भी स्नोफॉल हुई और तो मज़े कर रहे हैं। चलिए फिलहाल मैं चलती हूँ एक बार अंदर, स्नो वूड डाल के आऊँ, बकेट में पानी भरूँ। सात्विक कैसा लग रहा है ये देखिए, आज सात्विक खुश होगा। सात्विक देखिए भाई खुशी मतलब सात्विक ये वाली लाइफ स्नोफॉल। हेलो डॉगी, नहीं ऊपर नहीं चढ़ना मेरे, नहीं काटेगा नहीं वो, हाँ लेकिन ऊपर चढ़ेगा तो वाह वाह वाह। ये देखिए क्या मजे ले रहा है, इसे भी एक्सपेक्ट नहीं होगा कि इस टाइम पे स्नोफॉल होनी, क्योंकि अभी हम जो बोल रहे थे तो कहते जी नहीं इस टाइम पे नहीं होगी, अब तो मौसम चेंज हो जाएगा। और सात्विक जब छोटा था इसने फर्स्ट स्नोफॉल जब देखी थी, और आज छोटे की इसको याद नहीं होगी, आज सोचिए पहली स्नोफॉल है। हाँ जी कैसा अनुभव? देखिए ठीक ठाक, इसका ठीक ठाक चलेगा नहीं, देखिए लोग बाग तरसते हैं इसके लिए। स्नोफॉल में कभी भी ठंड ज़्यादा नहीं होती, जैसे अब इतनी ज़्यादा नहीं है बट लेकिन जब बंद हो जाती है उसके बाद हवा चलती है, ठंड का लेवल बहुत हाई होने वाला है यहाँ पर। और अभी मैं 3-4 दिन यहीं हूँ इन्हीं वादियों में। वाह वाह आ उधर मत जाओ, डरता है, आ मेरे पास आ जा तू। हाँ स्वीटी मेरी जिमनी ए ए ए ये अभी से एक्चुअली देखिए ओ अभी करेगा ये, देखिए अभी करेगा, नहीं करा, अरे मेरी जिमनी पसंद आ गई, देखो इसे ये गंदा नहीं करा इसने। चलिए फिलहाल चलते हैं, मैं चेंज करके आती हूँ, मैं वॉक पे चलूँगी फिर थोड़ा सा। ये देखिए जी हम इसमें ग्रीन तारा होम स्टे में रुके हुए हैं और फिलहाल आप व्यू देखिए और सामने ओ ऊपर तक, क्योंकि पूरे ऊंचे पहाड़ हैं सब इस टाइम कवर हो चुके हैं। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर होम स्टे जो होम स्टे हैं काफ़ी और पूरा कवर हो चुका है, लेकिन अब ऊपर से हल्का सा क्लियर होने लग गया और कितने सुंदर लग रहे हैं वो बीच बीच में से दिखाई देते हुए। तो चलिए मैं हाँ मेन रोड पर ही है, यहीं पर आपकी अंदर भी पार्क हो जाती है और ये क्या नाम है, आप मेन सड़क पे ही पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी, मेन टाबो में ही है, टाबो जस्ट जहाँ पर लिखा आता है 0 वहीं पे इनका होम स्टे है मेन रोड पर। तो चलिए फिर इंजॉय कीजिए स्नोफॉल को इस सीज़न में। वाह 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 मज़े आ गए।